हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन तैयारी में। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम है आशीष कुमार पुरोहित और मैं सीकर राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं भी एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं, इसी वजह से मैं आपकी डर और तकलीफ के बारे में जानता हूं। तो मैंने भी अभी 2019 में सेकेंड एफकेट एग्जाम दिया था और उसके अंदर मैंने 163 मार्क्स स्कोर किए। मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी तथा बुक्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप आसानी से मेरे जितने अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, एफकेट 2020 का नोटिफिकेशन अभी आया है। दोस्तों, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच इसके फॉर्म फिलअप होंगे और प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए इसका एग्जाम फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने की आशंका है। दोस्तों, इन 2-3 महीनों के बीच हमें एक अच्छी तैयारी करके और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम देना है ताकि हम नेशन को सर्व करने का सपना पूरा कर सके। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एफकेट का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। दोस्तों, एफकेट के एग्जाम पैटर्न का कुछ इस प्रकार है कि 2 घंटे की एग्जाम होती है जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन, जो कि मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। दोस्तों, इसके अंदर पेपर को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है जिसके अंदर अपना पहला सेक्शन इंग्लिश रहता है। दोस्तों, इंग्लिश के अंदर पैसेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेज, एरर डिटेक्शन आदि चीजें पूछी जाती है। दोस्तों, एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी इंग्लिश का नाम सुनते ही घबरा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का सेशन है वो कैसे सॉल्व करें। इसमें जो पैसेज आता है वो बहुत ही आसान होता है। वो एक स्टोरी बेस्ड पैसेज होता है जिसको आप आसानी से 2 बार पढ़ के समझ के आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेज वगैरह होती है वो बहुत ही बेसिक होती है जिनका एक बुक प्लिंथ टू पैरामाउंट से कर सकते हैं। दोस्तों, प्लिंथ टू पैरामाउंट में बहुत ही बेसिक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस और इंग्लिश रूल्स हैं जिसके द्वारा आप इनको आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। दूसरा पार्ट है सामान्य ज्ञान का, जिसके अंदर इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, करंट अफेयर्स इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पे वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं जिन्हें देखकर आप करंट अफेयर्स को बहुत मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसके लिए एक बुक बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप ल्यूसेंट जीके से इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ल्यूसेंट जीके में बहुत ही बेसिक जानकारी इन सब विषयों के बारे में आपको दी गई है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। दोस्तों, एफकेट में स्पोर्ट्स अवार्ड्स, वर्ल्ड एजेंसी और उनके हेडक्वार्टर से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आप ल्यूसेंट जीके के विविध पार्ट में देख सकते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा रिपीट करें ताकि आपको एक अच्छा स्कोर प्राप्त हो। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट आता है मैथ का। मैथ के अंदर दोस्तों अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर लाभ हानि, प्रतिशत, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, औसत संख्याओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको मैथ की बेसिक किताब आरएस अग्रवाल या अरिहंत को सॉल्व करना है और आपको स्पीड मेंटेन करनी है जिससे कि आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल करें और टाइम रहते हुए हल करें। दोस्तों, इनका वेटेज 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। दोस्तों, चौथा पार्ट है हमारा रीजनिंग।
ये एफ गेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि दोस्तों इसी के अंदर 35 से 40 क्वेश्चन हमारे एफ गेट में पूछे जाते हैं। दोस्तों यही वह पार्ट होता है जो डिसाइड करता है कि आपकी एग्जाम क्लियर होगी या नहीं होगी। दोस्तों तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रीजनिंग से संबंधित हम सभी वीडियो आपके लिए इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों रीजनिंग ऐसा विषय है जिसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया जाए उतने ही ज्यादा आपको सफलता मिलती है। रीजनिंग में जो भी पहले के 5 सालों में क्वेश्चंस आए हैं उनको वीडियोस के माध्यम से हम अपने इस चैनल पे डालेंगे। तथा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर अरिहंत को भी सॉल्व करें, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट और स्किल इम्प्रूव होगी। दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और निश्चय कर अपनी जीत। धन्यवाद दोस्तों।